एक तरफ पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है, वहीं सिद्धार्थ नगर में एक गरीब विधवा महिला फूट फूट कर रो रही है क्योंकि आग के कहर से पूरा आशियाना सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन आग लगने के कारण का पता नहीं चला। मामला सिद्धार्थ नगर जनपद के गोलहोरा थाना के ग्राम मझारी का है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गरीब का आशियाना धू धू कर जलने लगा। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। गरिमत यह रही कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था और आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महिला का कहना है कि उसके घर का सारा सामान जल गया है, जिस कारण उसे और उसके परिवार को काफी दिक्कतें होने वाली है। वहीं महिला ने शासन और प्रशासन दोनों से मदद की गुहार लगाई है। मझारी रेल बाबू का घटना भइल है? अरे बाबू हमरा हबे नहीं कहिले, कैसे ही जरी गईले, कैसे नाई का खाई पी हमारे कुलैया जरी गईले हो बाबू। कैसे घटना भइल चाची? अब घटना वही अब कैसे हम बताई बाबू, हम नाही रहले। तो कैसे आप अपन जीवन यापन कई जे कैसे खाई जाए? हम कैसे हम बताई हमारे जीवन खबर हमारे हानि आए सोचिए मैं मर जावे। घटना घटी है कल लगभग 3-4 बजे के लगभग में एक घर में आग लग गई है। छप्पर का घर था, एक बुजुर्ग महिला रहती थी और उनका एक लड़का है जो कुछ दिमाग से भी मंदबुद्धि है। विधवा रहती थी, यहाँ पे खेती बाड़ी करके धान चावल सब इकट्ठा करी थी बेचारी, और थी भी नहीं। अब कैसे आग लगा इसका तो कुछ पता हो नहीं पाया। बच्चे लोग पटाखे उटाखे फोड़ रहे होंगे, कहीं चिंगारी उंगारी उड़ा होगा, इसी प्रकार से घटना घटा है। कि जैसे ही आग लगा तो क्या इसकी जानकारी किसी आला अधिकारी को दी गई? जी सबको दिया गया, हमारे लेखपाल महोदय प्रभात सैनी जी हैं उनको दिया गया, SDM महोदय को भी जानकारी दिया गया, तहसीलदार महोदय को भी जानकारी दिया गया, जानकारी सबके संज्ञान में है। आप यहाँ के प्रधान हैं और प्रधानमंत्री का मंशा है सभी गरीबों को आवास वितरण किया जा रहा है, ऐसे में इस गरीब परिवार का झोपड़ी था, इस पर आप क्या कहेंगे? जी आवास इनका एक सूची में नाम था और फाइल बना के जमा भी हो गया है, लगभग जल्दी ही आवास का धनराशि इनका उपलब्ध हो जाएगा। बाकी जो इनका नुकसान हुआ है इसका मतलब प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? बाकी मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि इस गरीब परिवार की जो भी संभवतः मदद हो किया जाए, क्योंकि इनके घर में अब खाने पहनने सोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल गया है। खाने के लिए तब तक आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया जाए? अब हमारे द्वारा तब तक चावल गेहूँ कुछ कपड़ा जो हमारा यथाशक्ति है वो हम इनको दे रहे हैं।